शारीरिक सुख की मांग करने का आरोप लगाकर किन्नर ने पुलिस कर्मचारियों को थप्पड़ मारने की घटना 18 सितंबर को उजागर हुई। इस घटना से अमरावती शहर विभाग में खलबली मची है। गुन्ना शाखा के दो पुलिस कर्मचारी 18 सितंबर की दोपहर निम्बोरा यहाँ किन्नर आम्रपाली के घर गए थे। इस कार्यक्रम के दौरान शारीरिक सुख की मांग करने का आरोप लगाते हुए किन्नरों ने दोनों ही पुलिस कर्मचारियों को घर से बाहर निकाला, जिसके बाद जवाब देते हुए एक किन्नर ने पुलिस कर्मचारी को चाटा भी मारा। यह घटना कैमरा में कैद हो गई, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात है। देखो मियां, ये बोलते हम कैमरा से आए और रिजड़ो को बोलते तुमको देखो, ये दोनों के चेहरे पहचानो, कैम ब्रांच का नाम बदनाम करे। देखो हम सारे हिजड़ो के, हमारे घर कार्यक्रम है और ये ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा। देखो मेरे गुरु से आई थी, तुमने मुझे क्या बोला, जमता क्या तुमको? पकड़ कॉलर, पकड़ कॉलर, दे दे उसको, दे उसको, दे उसको, दे दे, दे उसको, दे। मैंने मारी, क्राइम ब्रांच है, 377 लगाने लगा दी, 377 बेटा तेरे बाप को भी लगाना पड़ेगा। कानून मेरे को भी आता, 377 लगा दूंगी बाबू। नहीं लगाना इससे, अभी पूरा औरतें गवाह यहाँ पे बैठे थे। शर्म तुमको, तुम जो पूछने आए तो पूछो, सब पूछते हम, सब बताते, सब बताते। पर जा भी, जल्दी जा भी, अभी मैं देखूंगी सिटी को, सीपी ऑफिस में क्या करना है। नहीं नहीं ताई, तुम इकड़े एक नहीं हो, नहीं आएंगे, तुम मेरे को नहीं छोड़ रहा। हमारे घर में भाई ना औरता रहते, बारे में तुम पुलिस वाला है तो हक से बात करो, मैं तुमको जवाब देना है। तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को जमता 377 लगा, उस पे लगा 377 लगा, भाड़ो पुलिस के नाम पे कलंक। पुलिस के किए गए इस कृत्य पर अनैसर्गिक गुन्हा दाखिल करने की मांग भी किन्नर आम्रपाली ने की। इसी के साथ ही इस घटना की शिकायत पुलिस आयुक्त के पास करने की बात भी कही गई।